नमस्कार, ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। जिला कुल्लू के सुल्तानपुर में डाकघर में हुए घोटाले मामले में गबन की राशि 1,16,00,000 रुपए तक पहुंच गई है। हालांकि अभी भी खातों की जांच जारी है। डाक विभाग द्वारा आरोपी महिला सब पोस्टमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान माइनस में चला गया है। खासकर लाहौल स्पीति में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। केलांग में -23 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जा रहा है, जिससे घरों और दुकानों में रखा जाने वाला सामान भी जमने लगा है। लंबे समय से रिजल्ट जारी नहीं होने से नाराज JOAIT अभ्यर्थियों का आज एक बार फिर से गुस्सा फूट पड़ा। अभ्यर्थियों ने शिमला सचिवालय के बाहर सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ गई है। कोकसर में क्षमता से अधिक सैलानियों की आवाजाही और ठोस कचरे की डंपिंग को लेकर NGT ने कड़ा संज्ञान लेते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। शिमला के DC अनुपम कश्यप के पिता एवं पूर्व नगर निगम शिमला के कमिश्नर HN कश्यप का फेसबुक अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया है। छात्रों द्वारा उनके नाम से एक और फेक ID बना ली गई है और अब लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल में राहत राशि के बदले रिश्वतखोरी मामले में आरोपी पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। विजिलेंस की टीम ने आरोपी के खिलाफ बुधवार को ही मामला दर्ज कर लिया है। SDM धर्मपुर राजेंद्र गौतम की रिपोर्ट में भी पटवारी को दोषी पाया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्व PM नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। PM मोदी ने खुद सोशल मीडिया X पर इसकी जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में रूपनारायण नदी में नाव पलटने के बाद 5 लोग लापता हो गए, पुलिस ने ये जानकारी दी है। बता दें कि हावड़ा जिले के बेलगछिया, शिवपुर और बगनान से 19 लोगों का एक समूह पिकनिक मनाने के लिए पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के दासपुर के त्रिवेणी पार्क गया था। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉगिन करें etvbharat.com।